नमस्कार साथियों, कई बार हम अपने आप को जीवन में अलग अलग वजहों से बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। चूंकि मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, पसंद है मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में रमाशंकर यादव विद्रोही जी से JNU में मिल पाया, ये मेरे सौभाग्यशाली होने के कई सारी वजहों में से एक है, ऐसा मैं समझता हूँ। उनकी कविताएं हिंदी में होती थी, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें एक रीजनल वैल्यू, ग्लोबल इवेंट, इन सब का मिक्स एक साथ मिलेगा आपको। और कई बार तो जो एक कवि का काम होता है, आपकी इमेजिनेशन को, आपकी सोच को नए नए डायमेंशंस देना, रमाशंकर जी अपनी लगभग हर एक लाइन में वो एक नया डायमेंशन देते हुए दिखते हैं। उनकी वैसे तो कई सारी मशहूर कविताएं हैं, मगर आज जो कविता हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है जन गण मन। आपको कैसी लगती है कविता, कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कविता बोल को औरों में शेयर कीजिए। आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, उसका हम स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं रमाशंकर यादव विद्रोही की कविता जन गण मन। मैं भी मरूंगा और भारत के भाग्य विधाता भी मरेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जनगण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं आराम से उधर चलकर वसंत ऋतु में, जब दानों में दूध और आमों में बौर आ जाता है, या फिर जब महुआ चूने लगता है, या फिर जब बनवेला फूलती है, नदी किनारे मेरी चिता दहक कर महके और मित्र सब करें दिल लगी कि ये विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मार कर तब मरा। शुक्रिया।